आपके भरोसे पर खरे उतर कर। हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। खबर बांदा से। संस्कार भारती एवं नटराज संगीत महाविद्यालय बांदा द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कला उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बांदा के सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। चित्रकला प्रतियोगिता में शिखा तिवारी पुत्री श्री राजेंद्र तिवारी, निर्देशक अनुशासन अकेडमी सिद्धेश्वर नगर तिंदवारी रोड बांदा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कुमारी शिखा को नटराज संगीत विद्यालय द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लाइव टीवी समाचार के लिए बांदा से नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम शिखा तिवारी है। शिखा जी, ये बताइए आपको ये अवार्ड मिले कहाँ से मिले और किस तरह के कला में प्रदर्शन किया आपने? एक मुझे तथागत में मिला था, तथागत ज्ञान स्थली सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि अतर्रा में है। तो जब मैं क्लास 4th में थी 2015 में, तब मुझे एक सर्टिफिकेट मिला, उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। और एक नटराज संस्थान जो कि कल ही था, तारीख 18 तारीख 20 तारीख ऐसे कुछ, तो मुझे वहाँ पे मिला। और इसमें मुझे पेंटिंग में मिला है, स्केचेस में मिला है, और एक सेंट मैरी में भी मुझे सीज मिला है। और इसी तरह मैंने पेंटिंग और स्केचेस में और अपनी कलाओं को दिखाते हुए, लोगों को दर्शाते हुए, अपना बेस्ट देते हुए ये प्राइज़ हासिल किया। कला में क्यों रुचि आई आपको? कला में कई खेल है कई। इसलिए क्योंकि पहला तो मैंने जब पापा ने मुझे कहा था लॉकडाउन के ज़रिए, जब पापा ने मुझे कहा कि तुम बनाना स्टार्ट करो, तुम भी देखो बना करके, तब मैंने सबसे पहले पापा से शुरुआत की। पापा का पोर्ट्रेट बनाया, तब मैंने देखा कि मैं काफ़ी बेहतर बना पा रही हूँ। फिर मैंने इसी तरह शुरू कर दिया और शुरू करते 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 मैं इतनी अच्छी आर्ट बनाने लगी कि मुझे हर जगह कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलने लगे। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं आर्ट काफ़ी बेहतर बना सकती हूँ। फिर जब मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलने लगे तो मुझे अच्छा महसूस होने लगा, तो फिर मैंने बस रुचि आ गई और मैं बनाने लगी। अच्छा, इसमें माँ बाप का सहयोग मिला आपको? बहुत बहुत माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया है। पापा कहते तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम हमें बताओ, हम सब कुछ लाएंगे। कलर्स चाहिए, बुक्स चाहिए, नोटबुक्स चाहिए, स्केच बुक चाहिए, सब कुछ देंगे। तो पापा मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। किसमें किसका श्रेय जाता है इसमें? सबसे पहले पापा को, फिर मेरे भगवान जी को, लड्डू गोपाल को, और मेरी मम्मी को, और सबको, मेरी पूरी फैमिली को, सबने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिए, उन सबको श्रेय जाता है। अरे ये बताइए, और ये बच्चों को, अभिभावक को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि कभी हार ना माने, क्योंकि कभी कभी बच्चे, आजकल बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन ले रहे हैं, ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो ज़िंदगी का एक मतलब पार्ट होता है, तो इसमें कोई डिप्रेशन लेने की बात नहीं है। अगर आप फेल भी हो जाते हो, गिर भी जाते हो, तो फिर दोबारा उठना है। कभी भी अपने आप को वीक मत समझो, सदैव आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कोई नहीं है आपको रोकने वाला। आपके हाथ में है आपकी ज़िंदगी, आप ही सब कुछ हो अपने लिए, आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सदैव आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए कंसिस्टेंसी के साथ। कितना मेहनत लगा आपको इसमें? आरपी तिवारी नाम है ये बच्ची को। आप, आपकी बच्ची है, क्या नाम है इनका? शिखा तिवारी। ये प्रमाण पत्र मिला है, कई जगह से इसको अवार्ड भी मिले हैं जी। कितनी खुशी हो रही है आपको, क्या कहने चाहते हैं? खुशी तो बिल्कुल होती है माँ बाप को, जब बच्चा आगे बढ़ता है तो सपना ही होता है माँ बाप को कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। और एक्चुअली मुझे तो विश्वास था कि फर्स्ट ही आएगी नटराज में, मैं भी कह रहा था, मुझे बुलाया था, तो जब इसको अनाउंस किया कि फर्स्ट है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन खुशी जरूर हुई कि चलो अच्छा है, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये अच्छा करती है। और सबसे बड़ी बात ये कि गॉड गिफ्टेड है ये, इसे कहीं से सीखने का कुछ नहीं, इसे नहीं सीखा कहीं से, कोई ऐसा यहाँ साधन है। क्योंकि नटराज में एक बार मैंने भेजा था, जो टीचर थी इसकी, टीचर से अच्छा ये बना रही, तो टीचर ने कहा मुझसे अच्छा तुम ही बना रही, तो ये लौट आई वहाँ से। तो गॉड गिफ्ट।